और देखिए एक बड़ी खबर है, गुजरात की सियासी हलचल से जुड़ी हुई ही सीआर पाटिल का नाम सीएम की दौड़ में सबसे आगे है। सीआर पाटिल गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं, नौसारी से सांसद हैं और उनके अलावा मनसुख मांडविया, प्रफुल्ल खोड़ा भाई पटेल भी इस रेस में शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज जा सकते हैं अहमदाबाद। गुजरात में कल होगी विधानमंडल दल की बैठक, तो सीआर पाटिल को अभी कुछ दिनों पहले ही गुजरात बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया और उनका नाम इस रेस में सबसे आगे है। टीवी 9 गुजराती के एडिटर कल्पक केकरे इस वक्त मेरे साथ हैं। कल्पक, अभी हम बात ही कर रहे थे और अब ये खबर आ रही है कि सीआर पाटिल का नाम सबसे आगे रेस में, लेकिन एक चौंकाने वाला नाम प्रफुल्ल खोड़ा भाई पटेल का भी आया इस रेस में, बताइए दोनों के बारे में। देखिए, ये एक रिले रेस की तरह है। बीजेपी में अभी जो बैटन किसके हाथ में जाएगी उसको लेकर नाम जो भी आएगा वो चौंकाने वाला ही रहेगा। जैसे चंद्रकांत पाटिल का नाम इसलिए ज्यादा सामने आ रहा है क्योंकि देखिए सीआर पाटिल ने अभी साल भर पहले कमान संभाली है गुजरात बीजेपी की, और यदि आप पैटर्न पे नजर करें तो जब मुख्यमंत्री के तौर पे विजय रूपाणी ने शपथ ली थी उसके पहले वो भी पार्टी के अध्यक्ष थे, तो आनंदीबेन पटेल को हटाया गया उस समय जो पार्टी के अध्यक्ष थे विजय रूपाणी, उन्हें मुख्यमंत्री पद सौंपा गया। तो ऐसा माना जा रहा है कि चंद्रकांत पाटिल चूंकि पीएम के वाराणसी के चुनाव में उनका काफी अहम रोल रहा है और पीएम के नजदीकी माने जाते रहे हैं और उन्हीं की पसंद माने जाते हैं, और उनके आने के बाद से जिस तरह से उन्होंने पार्टी के अलग अलग संगठन के कामों में तेजी लाई है जिस तरह से, उसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि चंद्रकांत पाटिल के नाम पर ही मुहर लगे, क्योंकि अल्टीमेटली गुजरात बीजेपी में जो भी पीएम की पसंद होंगे वो सबसे आगे रहेंगे। उसके अलावा मनसुख मांडविया का नाम भी इसीलिए चर्चा में आ रहा है क्योंकि मांडविया पीएम की पसंद रहे हैं, उन्हें प्रशासनिक अनुभव अच्छा खासा रहा है, इस तरह से केंद्र सरकार में उन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर बाद में उन्हें प्रमोशन मिला, अभी कैबिनेट मंत्री के तौर पर वो भूमिका निभा रहे हैं, और युवा हैं कंपेरेटिवली, पटेल भी हैं जो कि पाटीदार फैक्टर अक्सर गुजरात की राजनीति में चर्चा में आता है, तो हो सकता है कि यदि मांडविया को चुना जाए तो वो पटेल फैक्टर को कहीं ना कहीं गुजरात में बीजेपी के फेवर में लाने में मदद करेंगे, वो भी नाम है। साथ ही साथ प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जिनका आपने नाम लिया, प्रफुल्ल भाई पटेल जो है वो एक जमाने में गुजरात के गृह राज्य मंत्री रहे हैं और वो भी पीएम के नजदीकी माने जाते रहे हैं, फिलहाल वो दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप के प्रशासक के तौर पे काम संभाल रहे हैं, उनके पास प्रशासनिक अनुभव है, तो इसलिए इन नामों पर चर्चा हो रही है। लेकिन चंद्रकांत पाटिल का नाम इसलिए चर्चा में आता है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र भाई मोदी की जो राजनीति है उसमें जातिवाद को उतना स्थान नहीं रहता है और यही वजह थी कि ठीक है। तो कल्पक, कल ये क्लियर हो जाएगा क्योंकि कल जो विधानमंडल की दल की बैठक है वो होगी और इसके बाद आप तमाम जो नाम है वो रेस में है और कौन सा नाम निकलकर सामने आता है इस पर कल मुहर लग जाएगी। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।